आज हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत में दिन भर छाए रहे लाल रंग की। दरअसल एक रचना है किसी कवि की, लाले मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किताब का जिक्र क्या किया सीकर में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनका ऐसा करारा जवाब दिया और वो भी लाल ही रंग में। उन्होंने भी लाल टमाटर के भाव पूछ लिए तो साथ में लाल सिलेंडर की भी चर्चा कर डाली कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी लाल सिलेंडर का दाम 1100 रुपए पहुंच गया, कभी उसकी भी चर्चा कीजिए। इतना ही नहीं, फिर लाल रंग चलता रहा और उन्होंने कहा कि अगर यही हालात रहे तो जनता आपको लाल झंडी दिखा देगी। हम बात कर रहे थे आज राजस्थान की सियासत की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीकर में दौरा किया, जनसभा को संबोधित किया और उसके साथ साथ राजस्थान की जनता को सौगात का पिटारा खोला। तो उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज लाभार्थियों को, यानी 37 लाख सिलेंडर लाभार्थियों को 156 करोड़ की सौगात डीबीटी करके उनके खातों में ट्रांसफर कर दी। सियासत का संग्राम सुबह से ही शुरू हो गया जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्हें प्रधानमंत्री की इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ना था लेकिन एन वक्त पर उनका नाम उसमें नहीं था, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और इस पर खेद भी व्यक्त किया। इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी तत्काल उसका जवाब दिया और उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस कार्यक्रम में भाग न लेने की वजह बताई, साथ ही उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना भी की। लेकिन इस पूरे मामले में जहां सियासत रंग चढ़ा रहा तो उसके साथ साथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया तब उन्होंने लाल किताब का जिक्र छेड़ दिया। दरअसल जिस ढंग से उन्होंने लाल किताब की बात की उसके बाद उनका जवाब देना कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी था और लाभार्थी उत्सव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसका करारा जवाब देकर कहा कि प्रधानमंत्री जी लाल टमाटर की बात करते जिसके भाव 150 रुपए किलो हैं तो अच्छा होता, लाल सिलेंडर की बात करते जिसके दाम 1100 रुपए पहुंच गए और राजस्थान सरकार उसे अपने लाभार्थियों को 500 रुपए में उपलब्ध करवा रही है, आप उस तो बात करते महंगाई पर, अगर आपका यही हालात रहा तो ये लाल झंडी जनता जल्द ही आपको दिखाएगी। बहरहाल कुल मिलाकर दिन भर सियासत पर छाया रहा लाल रंग और लाल रंग की वजह से आज राजस्थान की लाल राजनीति भी पूरी तरह लालिमा लिए हुए रोष से लाल हुई रही। हम बात करेंगे अगले एपिसोड में।